एक बार की बात है, एक बाप बेटा की जोड़ी एक गधे के साथ घूमने निकली। जब वे एक गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा, कैसा बेटा है, खुद गधे पर बैठा है और बेचारे बुजुर्ग बाप नीचे चल रहे हैं। यह बात लड़के को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह नीचे उतर गया और अपने बाप को ऊपर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ी देर के बाद जब वह दूसरे गांव पहुंचा, तो वहां के लोग बोलने लगे, कैसा बाप है, इतना मासूम सा बेटा पैदल चल रहा है और यह बाप गधे पर बैठा है। यह बात लड़के के बाप को अच्छी नहीं लगी और वह गधे से नीचे उतर गए और अब दोनों पैदल चलने लगे। फिर से जब वे अगले गांव पहुंचे, तो वहां के लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, कैसे मूर्ख लोग हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। यह सुनकर बाप बेटा दोनों गधे पर बैठ गए। जब वह थोड़ा आगे गए, तो लोगों ने कहा, कितने बेदर्दी हैं ये दोनों बाप बेटा, बेचारा गधा। लोगों की यह बात सुनकर बाप बेटा समझ गए कि यही दुनिया है। फिर वह बिना दुनिया के परवाह किए गधे पे बैठकर दोनों आगे निकल गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो लोग दूसरों की बातें सुनकर अपने भविष्य का निर्णय लेते हैं, वे कभी सफल नहीं होते हैं। इसीलिए अपने भविष्य का निर्णय स्वयं लेना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक